हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में रमजान नाम का कोई महीना था ही नहीं। यही लोग जो कहते थे कि कुरान करीम जमा किया गया हजरत उस्मान के दौर में और फिर यूं जमाउल कुरान हुआ, अभी जो कार्बन डेटिंग हुई है कुरान के उन पार्चमेंट्स पर जो बर्मिंगम की लाइब्रेरी से मिले हैं, तो कार्बन डेटिंग ने ये साबित किया कि जो तारीख हुजूर की पैदाइश की बताते हैं ये कुरान उस पैदाइश से पहले का है। कुछ समझ में आ रही है आपको बात? यानी ये कि जो इस्लाम मिंबर और मेहराब से हमें साल हा साल से बताया जा रहा है, इसकी हैसियत एक रामलीला के किस्से के अलावा कुछ नहीं, ये एक रामलीला का किस्सा है। मेरे भाइयों, रमजान मुबारक के रोजों को बाकी तमाम इबादात पर, चाहे वो हज हो, नमाज हो, जकात हो और जितने फराइज हैं, उन पर इस एतबार से रमजान मुबारक के रोजों को फौकियत हासिल है कि पूरे कुरान हकीम में बाकी जितनी भी इबादात हैं उनकी डिटेल स्कैटर्ड फॉर्म में है, बिखरी हुई हालत में। यानी अगर मैं कहूं कि हज के टॉपिक पे आयात कहां है, वो सूरतुल बकरा में भी है, सूरह आले इमरान में भी है, सूरतुल हज के अंदर भी है। नमाज के टॉपिक में तो कई एक सूरतों में ये इशू डिस्कस हुआ है, इसी तरीके से जकात भी सैकड़ों जगह पे डिस्कस हुई है, लेकिन रमजान मुबारक को ये फौकियत हासिल है कि रमजान मुबारक का जो टॉपिक है पूरे कुरान में सिर्फ एक ही जगह पे डिस्कस हुआ है पूरे कुरान में, और वो सूरतुल बकरा का रुकू नंबर है 23, 6 आयात में, आयत नंबर 183 से लेकर 188 तक। सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 से 188 तक जो आपने कुरान हकीम में खोल रखी है, इसमें रमजान मुबारक के टॉपिक को डिस्कस किया गया है पूरे कुरान के अंदर। इस एक मकाम के अलावा ना कहीं पे किसी रोजे का जिक्र है, ना रमजान मुबारक के हवाले से कोई डिटेल्स आई हैं, सवाय इस एक मौके के। ये 6 आयात इंशाल्लाह हम आज कवर करेंगे, और इसमें 6 आयात के अंदर 5 सब टॉपिक्स डिस्कस हुए हुए हैं छोटे छोटे, मैं वो साथ साथ क्लैरिफाई करता चला जाऊंगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة ركوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک پہلے دو آیات ہم ڈسکس کریں گے آیت نمبر 183 اور 184 جس میں ٹاپک نمبر 1 ہے رمضان مبارک کی اہمیت اور مقصد کیا ہے اور اس کی فرضیت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں كما كتب على الذين من قبلكم جیسا کہ تم سے جو پہلی امتیں گزری تھی ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے نماز بھی اگلی امتوں پر فرض تھی اس کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے روزے بھی اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں وہ ہے وقا، وقا کہتے ہیں عربی میں بچنے کو، یعنی جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور فرائض پر استقامت اختیار کرنا، یہ ہے تقویٰ۔ اب وہ گناہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور فرائض بھی حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ سورۃ الحجرات میں واضح طور پر آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، اور رمضان کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ اب مجھے ضمناً حدیث یاد آئی جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، کتاب النکاح چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہی آپ کو مل جائے گی، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی اور مشکات میں بھی، نکاح والے چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ए नौजवानों के गुरु, तुम में से जो निकाह की इस्तेतात रखता हो उसे चाहिए कि वो निकाह करे। ये चीज उसके शर्मगाह की हिफाजत में मदद करेगी और निगाहों को नीचा रखने में उसको स्पोर्टिव होगी। और जो निकाह की इस्तेतात ना रखता हो, यानी फाइनेंशियली उसको सपोर्ट ना कर सकता हो इस दवाजी जिंदगी को, तो वो रोजे रख कर अपनी शहवत को ठंडा करे। यानी रोजा जो है ये तकवा के हुसूल का एक जरिया है। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं, ये रमजान का जो महीना है और रोजे हैं। फमन कान मिनकुम मरीदा, बस जो कोई तुम में मरीज हो, उसमें भी एक्सेप्शन दे दी कि अगर मरीज हो, औ अला सफरिन, या वो सफर में हो, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो अपनी गिनती को बाकी दिनों में पूरा कर सकता है। अब वो सफर चाहे आरामदेह हो या गैर आरामदेह हो, इससे कोई सरोकार नहीं है, सफर में वो रोजा छोड़ सकता है, लेकिन बाकी दिनों में गिनती पूरी करनी होगी। बाकी इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह फिकी अहकाम मसाइल हम अगली नशिस्त में डिस्कस करेंगे। वअललज़ीना युतीकूनहु फिद्यतुन तआमु मिस्कीन, और वो लोग जो बड़ी मुश्किल से ताकत रखते हैं रोजा रखने की, यानी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हैं, या इसी तरीके से कोई हामिला औरत है, कोई दायमी मरीज है शुगर वगैरह का, इस तरह की जो सूरत हाल हो, फिद्यतुन तआमु मिस्कीन, वो फिदिया दे सकता है मसाकीन को। फमन ततव्वअ खैरन फहुवा खैरुन लहू, और जो कोई इससे भी ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करना चाहे, यानी वैसे तो एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को एक वक्त का खाना है, अगर कुछ ज्यादा मसाकीन को खिलाना चाहता है, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होगा, तो उसके लिए उतना ही बेहतर है। वाम तसूमु खैरुन लकुम, और अगर तुम रोजा रखो तो इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है। ये ना हो कि थोड़ी सी बीमारी और बहाना करके कहो जी मैं तो फिदिया ही दे देना, रोजा रखने की कड़ी लोड़ है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, अगर तुम जानते हो तो रोजा रखने में ही बेहतरी है। यानी इंसान सबसे बड़ा खुद अपने ऊपर जो है वो गवाह है और मुफ्ती है, वो बेहतर समझता है कि मुझे किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। जैसे दुनियावी मनफियत के लिए वो इंसान छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है, तो आखिरत के एतबार से भी वो ख्याल रखे। अच्छा, ये जो आयत है वअललज़ीना युतीकूनहु फिद्यतुन तआमु मिस्कीन, इस हवाले से सही बुखारी में एक हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4505, जिसमें इब्ने अब्बास का कॉल है कि ये आयत मनसूख नहीं है, क्योंकि बाज अस्हाब का मौकिफ है। सही बुखारी में 4507 नंबर हदीस आती है जिसमें इब्ने उमर का कॉल है कि ये आयत मनसूख है। यानी उनका मौकिफ ये है कि ये पहले ऑप्शन थी कि जो शख्स माल दे सकता है वो माल दे ले, और जो रोजा रख सकता है वो रोजा रख ले, ये दोनों ऑप्शन है। यानी मरीज वाला चक्कर नहीं, जो मालदार है वो सिर्फ माल दे दे, चाहे वो सेहतमंद भी है तो रोजा रखने की जरूरत नहीं है। ये इब्ने उमर का मौकिफ है 4507, जबकि इब्ने अब्बास का मौकिफ सही बुखारी में 4505 है। वो ये कहते हैं कि ये आयत मनसूख नहीं है, बल्कि इससे मुराद वो बूढ़ा और बूढ़ी है या बीमार शख्स जिसको सेहतयाब होने की उम्मीद नहीं है और बड़ी मुश्किल से वो रोजा रखने पर कादिर है, उसके लिए रोजा निभाना मुश्किल है। जैसा कि बाज़ का शुगर की बीमारी ऐसी हो सकती है कि इंसान के लिए मुश्किल हो जाए आज के दौर के अंदर, या बुढ़ापा खुद बहुत बड़ी बीमारी है, कोई 80-90 साल का कोई बुजुर्ग है और वो रोजा नहीं रख सकता, तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि वो इसके बदले फिदिया दे दे, एक वक्त का मिस्कीन को खाना खिला दे। सही बुखारी में आता है अनस इब्ने मालिक जब बूढ़े हो गए थे, उनकी उम्र 100 साल के करीब थी, तो रोजाना वो एक मिस्कीन को खाना खिलाया करते थे गोश्त के साथ, दाल नाल नहीं, गोश्त ना, अल्लाह की राह में गोश्त के साथ खाना। और ये भी आता है कि वो बसा औकात 30 मसाकीन को इकट्ठा बिठा कर खाना खिला दिया करते थे 30 के 30 रोजों का। तो ये दोनों तरह ऑप्शन मौजूद है, जिस तरह भी कर लिया जाए, मैं इंशाल्लाह अगली दफा इस पर डिटेल बात करूंगा।